हमारे विधायक हैं दिव्या जी मदेरणा, उनका एक ही उसूल है कि जो अपने पक्ष में नहीं है उनके विकास को रोको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओसिया विधानसभा क्षेत्र के नेवरा ग्राम में। यहां का राजनीतिक माहौल किस प्रकार का रहने वाला है उन रुझानों के बारे में जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। सर बताओ, यहाँ का माहौल ओसिया विधानसभा की बात करें तो किस प्रकार का रहने वाला, आपने तो देखा होगा प्रत्यक्ष रूप से। मेरा गाँव पिछले आज़ादी के बाद से लोकदल से लेकर आज तक भाजपा का ही रहा है और इस गांव में 75% वोट शेयर भाजपा का है और उसमें 25 में भी हम सेंध इस बार लगाए हैं, क्योंकि उन्होंने काम विकास का तो कोई किया नहीं है, जिस वजह से इस बार उनकी जो हालत है वो 10-15% पर सिमट जाएगी। ऐसा है, मतलब बात करते हैं जब काफ़ी लोग ये भी विपक्ष के हैं जो बता रहे हैं कि 100% कांग्रेस निकलने वाली, लेकिन इस गांव में आया तो लोग बता रहे हैं कि भाई बीजेपी ही निकलेंगी, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई बीजेपी निकलेंगी और कांग्रेस का क्या बैड पॉइंट रहा जिसकी वजह से वो सिमट जाएंगी? उसका कारण है साहब, जो अभी हमारे विधायक हैं दिव्या जी मदेरणा, उनका एक ही उसूल है कि जो अपने पक्ष में नहीं है उनके विकास को रोको। अच्छा। मेरे गांव में पिछले 3 वर्ष से टेंडर हुआ था जो कि इनका एक आदमी था, इनका एक व्यक्ति है, उनके द्वारा यहाँ टेंडर लगाया गया और टेंडर लगाने के बाद में 3 साल तक माल आपूर्ति नहीं करना इनका मुख्य उद्देश्य रहा। हमने बार बार नोटिस दिए उनको कि आप माल आपूर्ति करो, लेकिन उनका एक ही मकसद रहा कि इस गांव में माल देंगे तो ये विकास हो जाएगा इसके इनके गांव में, तो उनको इस तरीके से रोका जाए। और वो माल मटेरियल सप्लाई देते भी थे, तो आज आदेश दिया तो उसको 2 महीने बाद में धीरे धीरे पूर्ति करना, ऐसे खूब सारे हथकंडे अपनाए इन्होंने। एक बार मेरा टेंडर आदरणीय दिव्य जी मदेरणा ने स्वयं ने अपने लेटर पर अर्जेंट कार्रवाई लिखकर मेरा टेंडर भी खारिज करवाया, उसके लिए मुझे हाईकोर्ट तक जाना पड़ा और उस हाईकोर्ट ने उसको निरस्त, इनके दिए हुए आदेश को निरस्त कर दिया। उसके बाद में मेरे गांव में विकास कार्य शुरू हुए। अच्छा, तो फिर बात करते हैं विकास कार्य की, तो दिव्या जी तो बता रहे हैं कि ओसिया विधानसभा में ऐसा कोई काम पीछे नहीं रहा जो मैंने किया नहीं, सबसे ज़्यादा विकास ओसिया में करवाया, तो फिर आपने देखा होगा धरातल पर क्या हुआ है। धरातल पर मैं बताता हूँ साहब, मेरे नेवरा गांव में इन 5 सालों में 4 जगह रोड बनी, जिसमें से 3 रोड पहले उनकी TS 2017 में जारी हुई, उनकी खाली वित्तीय स्वीकृति 2018 में जारी हुई, उसके बाद में कांग्रेस का शासन आ गया, लेकिन वित्तीय स्वीकृति 2018 में जारी होने के बाद में कार्य इनके कार्यकाल में हुआ तो इनके द्वारा कुछ नहीं किया गया। इनके द्वारा सिर्फ ये किया गया कि इनके द्वारा एक तेजनगर की सड़क थी उसको 3 वर्ष रोका गया और दूसरी जगह बनाने की कोशिश की, 3 साल बाद में भी वो बना नहीं पाए क्योंकि हम कोर्ट चले गए थे, तो उनको नाक का सवाल बन गया था, उस वजह से इन्होंने दौड़ भाग करके विभाग पर पूरा दबाव बना के और वो सड़क बनाई, इसके अलावा कोई विकास कार्य नहीं हुआ। उसके बाद में नेवरा में 3 ट्यूबवेल रिबोर हुई, सिर्फ 1 ट्यूबवेल जो कि यहाँ पे विशेष समुदाय मुसलमानों के घर है उनके बीच में हुई, इसके अलावा नेवरा गाँव में इन्होंने एक भी काम नहीं किया। एक मेरे गाँव के व्यक्तित्व को तो यह तक बता दिया कि भाई साहब आपकी ट्यूबवेल स्वीकृत हो गई, उसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं, उसकी तकनीकी स्वीकृति नहीं, सिर्फ उसको एक काला पत्थर दिया जिस पर 29.90 लाख रुपए की आपकी ट्यूबवेल हो जाएगी। ऐसा सिर्फ ये प्रलोभन देते हैं, इनकी विकास के नाम पे 1% भी कोई कार्य करने की इनकी कोई गणित भी नहीं है इनका विकास करने का। इनका एक ही काम है, यदि भाजपा का कोई कार्यकर्ता है तो उसका काम रोको और अपने कार्यकर्ताओं को इस तरीके से दबा कर रखो कि वो बाहर जाकर ये नहीं कहेगा हमारा कुछ नहीं, ये इनका मूल होती है। लेकिन बात करते हैं जैसे भाजपा की, तो भाजपा से आप जुड़े हो, आपने उनकी रीति और नीति देखी है, तो उनमें क्या खासियत लगी, क्या अच्छा ही लगी जिसकी वजह से आज तक वो बरकरार हो आप भाजपा? इसमें ऐसा है भाई साहब कि भाजपा के जो भी कद्दावर नेता है जोधपुर जिले के, मैं वो से तहसील की बात नहीं करता, एक बैराराम सियोल की बात नहीं करता, शंभू सिंह खेतासर की भी बात नहीं करता, पूरे जोधपुर जिले के जो भी नेता है गजेंद्र सिंह से लेकर या जो भी बड़े नेता है, उनके पास में मेरे गाँव का आम कार्यकर्ता भी जाकर बैठ सकता है, उसको अपनी समस्या बता सकता है। इन कांग्रेस वालों को समस्या बताने के लिए गांव में, हर गांव में 2 एजेंट होते हैं, उन एजेंट से संपर्क करना पड़ता है और उस एजेंट के साथ भी अपना तालमेल अच्छा नहीं हो तो वो काम लटक जाता है। ये इनकी सबसे बैड पॉइंट है कांग्रेस का। जी बिल्कुल, बहुत बहुत नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर बताओ आपके हिसाब से माहौल किस प्रकार रहने वाला है ओसिया का? माहौल तो आपने अभी देखा ही है, इसमें तो एक तरफा जीत लग रही है हमारे नेवरा के अंदर, तो नेवरा के अंदर तो एक तरफा जीत है बीजेपी की और क्षेत्र के अंदर अब लंबा क्षेत्र है, पर आशा करते हैं कि इस बार बीजेपी 50,000 पार से जीतेगी।
विकास कार्य की बात करें तो कितना क्या विकास हुआ? विकास कार्य तो जिन जिन के अपने चैतों के विकास हुए, और इधर का जो पहले बैराराम जी सियोल 2008 से 13 तक विधायक रहे, तो उन्होंने तेरह से अठारह बैराराम जी सियोल जो विधायक रहे, उन्होंने जो काम स्वीकृत करवाए थे, जैसे कि जहाँ भी हमें डामर रोड जहाँ स्वीकृत हुई थी, तो सुश्री दिव्या जी मदेना ने जहाँ पे जो रोड स्वीकृत हुई उसी रोड को डाइवर्ट्स, जहाँ अपने कार्यकर्ता रहते थे, डाइवर्ट्स करने की कोशिश की, और दूसरे जो भी काम इनके राज में जो स्वीकृत हुए उनको डाइवर्ट्स करने की कोशिश की, अपने चैतों के यहाँ करवाने की कोशिश की गई। बढ़िया जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राकेश कोदर, आप देख रहे हो RCR मीडिया प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।